अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देने का आरोप है कमलनाथ सरकार पर। तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर एक बड़ा आरोप, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 4000 करोड़ का ठेका दिया था। ऊर्जा विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है। विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी, अपराध स्वीकार कर माफी मांगने की मांग की गई है पत्र लिखकर। ऊर्जा विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं विजेंद्र सिंह सिसोदिया। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देने का आरोप लगा है तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 4000 करोड़ का ठेका दिया था। ऊर्जा विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है। साथ ही जो है विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है, अपराध स्वीकार कर माफी मांगने की मांग की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है, विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है और माफी मांगने की बात कही है। बड़े नेता है, मदद भी सोचे जी तो सुबह तो फिर जनता से जुड़े हुए नेता है और जनता की बात को वो सामने रख रहे हैं। और एक बड़ा मामला उन्होंने, जबकि ई ट्रेडिंग घोटाले की लगातार जांच चल रही है, जिसमें ये आरोप लग रहे हैं कि कमलनाथ सरकार थी जो कांग्रेस 15 महीने उससे उन कंपनियों को भुगतान कर दिया जिन कंपनियों को भुगतान पहले रोका गया था गलत काम की वजह से, और कांग्रेस सरकार के द्वारा उन कंपनियों को भुगतान कर दिया गया। तो उसकी मामला है कि जांच जो है बड़े स्तर पर चल रही है, केंद्रीय एजेंसियां उसकी जांच कर रहे हैं। उस बीच में ये विजय सिंह सिसोदिया ने जो नया खुलासा किया है अपने आप में चौंकाने वाला और एड ऑन करता है उस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि मेधा इंजीनियरिंग कंपनी एक हैदराबाद की कंपनी है, उसको 4000 करोड़ रुपए का ठेका इसने दे दिया, जबकि भाजपा की सरकार ने साल 2018 में इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। तो इसने काम ढंग से नहीं किया था, जो सिंचाई की परियोजना है उसका ढंग से काम नहीं किया, पाइपलाइन के जो डाली थी कई जगह लीकेज रहे, जो बिजली संयंत्र का काम हो रहा था वो नहीं हो पाया। एक तरीके से जो जनता के लिए जो जनता के हित की जो योजना थी, जैसे 33,140 हेक्टेयर में सिंचाई होनी थी, खरगोन जिले के जो है 152 गांव में पीने का पानी पहुंचाया जाना चाहिए था, जो एक बड़ा काम आज तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है कि लोगों को शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचा कर दिया जाए, तो उस योजना में कोई गड़बड़ी की और उस योजना को गड़बड़ी करने वाली कंपनी जिसको ब्लैक लिस्टेड करके टर्मिनेट कर दिया गया था, उस कंपनी को दोबारा काम देना, तो ये उसको लेकर उन्होंने कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि इस अपराध को स्वीकार करें, इसके लिए वो माफी मांगे। और स्वैर तौर पर चिट्ठी लिखने का आशय ये भी है कि पूरा मामला फिर से जांच में आए और केंद्रीय एजेंसियां जो जांच कर रही है वो कहीं ना कहीं योजना को या इस काम को भी अपने जांच के दायरे में। जी प्रभु सर, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ अब विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। जी जी प्रणाम। जी विजेंद्र जी, आपने तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर जो है एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया और साथ ही चिट्ठी लिखकर माफी मांगने की बात भी कही है, किन आधारों पर जो है आपने अब जाकर जो है एक इतने टाइम बाद आरोप लगाए हैं ये? सर, एक तो मेरे पास जब लेटर आए, पत्र मिले, तभी मैंने आरोप लगाया। इसके पहले मुझे स्पष्ट जानकारियां नहीं थी। एक नंबर दो, सूचना के आधार पर जो मुझे पत्र मिला है उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने काम दिया, काम नहीं दिया, ज्यादा पेमेंट किया। खरगोन में ऐसी खराब स्थिति है कि रोज पाइप फटते हैं, लो प्रेशर से पंप चलाना पड़ता है, ये 30% से अधिक प्रेशर से पंप नहीं चला सकते। कम से कम 100 कुछ करोड़ का काम जो नहीं हुआ उसको पेमेंट कर दिया और इसको छोड़ के 4000 करोड़ का टेंडर फिर से उनको दे दिया। ये बहुत मध्य प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और मैंने तो कोई बड़ी बात नहीं की, मैंने कहा आप माफी मांगो, बाकी तो जांच में जो आएगा वो आएगा ही, पर आपको जनता से माफी मांगना चाहिए। तो अभी सिर्फ आपकी तरफ से जो है माफी मांगने की बात ही कही गई है, जांच का इंतजार आपको है? नहीं, मैं माफी मांगने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी काम तो जांच के हैं,
जांच में जो आएगा वो कार्रवाई होगी, परंतु इनने जानबूझ के किया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया, मध्य प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें कम से कम जनता के सामने कहना चाहिए, ये कह सकते हैं कि नीचे ब्यूरो किसी ने किया, मुझे नहीं मालूम था, पर पद पे तो आप बैठे थे इसलिए आपको माफी मांगना चाहिए। जी शुक्रिया विजेंद्र जी हमसे बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है अभी जब विजेंद्र जी को जानकारी हुई इन मामलों की, तब जाकर उन्होंने आरोप लगाए हैं कमलनाथ सरकार पर, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया गया। साथ ही जो है कहा गया है कि कमलनाथ माफी मांगे, चिट्ठी लिखी है उनको माफी मांगने के लिए, और बाकी जो जांच की बात है तो वो तो जांच चलेगी ही, तो सब सामने आएगा, ऐसा कहना है विजेंद्र जी का।